फ्रेंड्स, मैं मनीष, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो ये कार है ऑडी Q7 और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस कार की ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट। तो बेसिकली इस कार में प्रॉब्लम है और कार के जो ओनर है उनका कहना है इस कार में एवरी डे समथिंग 2 लीटर जो कूलेंट है उसमें टॉप अप करना होता है, बार बार वो उसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं, ये कुछ इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम है। और कहीं जमीन पर या कहीं भी किसी फर्श पर नहीं दिखता है कहीं से कोई लीकेज है या नहीं, और जो इसका टेम्परेचर मीटर है वो भी समथिंग 100 डिग्री से ऊपर जाता है, सीधा 130 तक ये टेम्परेचर जो है इसमें सीधा जो हाई लाइन होती है यानी कि 130 डिग्री जो होता है पूरा फुल टेम्परेचर, वहाँ तक जो इसका टेम्परेचर गेज है वो चला जाता है। तो ये कार ओवरहीटिंग भी होती है, जब भी जैसे इसमें कूलेंट लीक जो टॉप अप होता है जिस जगह से कम हो जाता है उसकी वजह से ये कार ओवरहीट भी होती है। तो वो जो ओवरहीटिंग हो रही है इस प्रॉब्लम को आज हम इस कार में चेक करने वाले हैं और साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम है ये और पूरी अच्छे तरीके से इसको डायग्नोस करेंगे। तो ये कार है ऑडी Q7। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कर दीजिए वीडियो लाइक शेयर। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो ये कार है ऑडी Q7 और आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं इस कार की ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट। तो ये कार है ऑडी Q7 3.0 TDI क्वाट्रो और इस कार में जो मेन प्रॉब्लम है वो है इंजन ओवरहीटिंग इशू और साथ ही साथ इस कार में शो करता है ओवर टेम्परेचर मीटर, यानी कि ये कार जब भी ओवरहीट होती है तो इसमें कूलेंट लेवल लो इस जगह पर इंडिकेट करता है इसके इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर पर और साथ ही साथ इंडिकेट करता है इसमें ओवर टेम्परेचर साइन, यानी कि इसका जो इंजन टेम्परेचर है कूलेंट टेम्परेचर वो काफ़ी हाई जाता है। तो इस कार में अभी हम प्रॉब्लम है उसको चेक करने वाले हैं। जो प्रॉब्लम है इस कार के अंदर वो है इसकी वाटर पम्प। ओके, तो इस जगह पर सबसे पहले हम हटाएंगे इसका ये इंजन कवर। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा 3.0 TDI इंजन में जो लीकेज होता है, लीकेज का इशू जो आता है वो आता है इसके वाटर पंप और सेकेंडरी जो इशू आता है वो आता है इसका इंजन ऑयल कूलर। तो ऑयल कूलर के ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है Q7 3.0 TDI के लिए, जो कि आप ऊपर आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है। कार में मेनली जो प्रॉब्लम है वो है इसका कूलेंट लेवल लो होना। तो कूलेंट लेवल जो है वो इस जगह से आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो इस जगह पर है ये इसका कूलेंट रिजर्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो कूलेंट लेवल है वो काफ़ी लो है, यानी कि जो मैक्स पॉइंट है वहाँ तक इसमें कूलेंट नहीं है, जबकि एवरी डे इसमें 2 लीटर कूलेंट डेली इसमें फिलिंग करना पड़ता है। तो पर डे इसमें 2 लीटर कूलेंट लेवल जो है वो कम होता है। तो अभी हमने यहाँ पर लीकेज जो इसका टेस्ट किया है वो है इस जगह पर। तो ये है मेनली इसकी वाटर पम्प और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वाटर के जो यानी कि पानी के निशान है वो आपको दिख रहे हैं क्लियरली, और रेड रेड निशान है नीचे का, आप ऑयल सम तक देख सकते हैं, ये बिल्कुल लीकेज है इसका जो वाटर पम्प है। तो अभी हम खोलने वाले हैं इसका वाटर पंप। तो उससे पहले हम हटाएंगे इसकी ये ड्राइव बेल्ट। तो ये जो बेल्ट है बेसिकली इस जगह अल्टरनेटर, आइडलर पुली, एडजस्टर पुली, टेंशनर पुली और इसका पावर स्टीयरिंग, एसी कंप्रेसर और इंजन मेन पुली यानी कि डैम्पर पुली है और उसके बाद है इसका वाटर पंप पुली। तो ये सभी जगह पर इसमें ड्राइव करती है इसकी वाटर पंप की मेन बेल्ट। तो इस बेल्ट को हटाने के लिए अभी हम इस टेंशनर वायरिंग के जगह से इसको पहले बेल्ट को हम लूज करेंगे और इस बेल्ट को हटाएंगे और साथ ही साथ हम ये 3 बोल्टों को खोलेंगे जिससे कि हम इस वाटर पम्प की पुली को हटा सकें। ओके, तो अभी रिप्लेस करते हैं इसका ये वाटर पम्प। तो मेनली जो इशू है Q7 में 3.0 TDI के अंदर जो कूलेंट लेवल लो होता है वो होता है सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो है इसका वाटर पम्प लीकेज होना, और सेकेंडरी जो इशू आता है ऑयल और पानी मिक्सिंग के लिए, और उसके लिए भी जब कूलेंट लेवल लो होता है तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो होता है इसका ऑयल कूलर लीकेज होना। तो ये कार है V6 इंजन 3.0 TDI इंजन। ओके, तो रिप्लेस करते हैं इसका वाटर पंप। तो खोलते हैं इस कार की वाटर पंप को। तो ये कार है ऑडी Q7 3.0 TDI। तो यहाँ पर जो हमने इसकी वाटर पंप थी उसकी जो अभी फिटिंग है उसको खोल दिया है, ये आप देख सकते हैं इस जगह पर हमने इसके सभी बोल्टों को खोला हुआ है। तो ये था इसका टेंशनर बेयरिंग जिस जगह से हमने इसकी बेल्ट को लूज किया हुआ था, इस जगह पर हमने लंकी लगा करके तो हमने इसकी जो ड्राफ्ट शाफ्ट से जो बेल्ट थी उसको हटा दिया और हमने इसकी वाटर पम्प को हटा रहे हैं। तो यहाँ से कूलेंट जो है इसका वो ड्रेन हो रहा है तो उसको ड्रेन होने देते हैं और इसकी हटाते हैं इसकी वाटर पम्प को और रिप्लेस करते हैं इस जगह न्यू वाटर पम्प। तो ये इस तरीके से अभी हमने इसकी जो वाटर पम्प थी उसको हटा दिया है। तो इस जगह पर लोकेशन थी इसकी वाटर पंप की जिस जगह पर ये फिटिंग थी। ओके, और ये कूलेंट अभी जो है ड्रेन हो रहा है और ये है इसकी वाटर पंप जो कि अभी हम इसमें रिप्लेस करेंगे।
ओके, तो यह है इसकी ओरिंग, तो ये होती है सिलिकॉन ओरिंग, और इस वाटर पम्प को हमें रिप्लेस करना है। ये जगह पर मार्किंग है इसमें ऑडी, और ये इसकी वाटर पम्प का पार्ट नंबर जर्मनी। ओके, तो अभी रिप्लेस करते हैं इस वाटर पम्प को। तो उससे पहले अभी हम करेंगे इस एरिए को पूरा क्लीन। अभी हम करने वाले हैं इस कार में न्यू वाटर पम्प फिटिंग। तो उस अभी हमने इसका जो एरिया था इस जगह पर, यहाँ पर जो वाटर पम्प जो फिटिंग होता है, इसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। यानी कि हमने इसको एक एमरी पेपर की हेल्प से इसको पूरे एरिया को, यानी कि इसका फेसिंग एरिया है, इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अभी हम इसमें फिटिंग करने वाले हैं इसका न्यू वाटर पम्प। तो यहाँ पर ये है इसका न्यू वाटर पम्प, और ये है इसका पार्ट नंबर, और ये आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मेंशन किया हुआ मेड इन जर्मनी पार्ट। तो ये है इसका ODQ7 का न्यू वाटर पम्प, और ये थी इसकी पैकिंग जो कि मैंने ऑलरेडी खोली हुई है प्लास्टिक बॉक्स। और यहाँ पर ये है इसकी ओरिंग, तो ये ओरिंग है बेसिकली जो आपको इसके वाटर पम्प फिटिंग करनी होती है, इसको हम रखते हैं साइड में। और ये है इसका न्यू वाटर पम्प, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेड इन जर्मनी। ओके, और इस साइड इसमें मेंशन किया हुआ है इसका पार्ट नंबर। ओके, और ये है इसका पुराना वाटर पम्प, तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं इस। फाइनल फ्रेंड्स, अभी हमने इस कार में जो इसकी वाटर पम्प थी उसको भी हम फिटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हमने इस न्यू वाटर पम्प के ऊपर लगाया हुआ है इसका ये ओरिंग, और इसके ऊपर अभी हमने लगाया हुआ है सिलिकॉन ट्यूब। तो इस वाटर पम्प को हम फिटिंग करेंगे इस जगह पर। तो बेसिकली इस कार में जो वाटर पम्प में जो आपको बोल्ट लगाने होते हैं, वो लगाने होते हैं आपको टोटल 10 वोल्ट। तो याद देख सकते हैं 2, 4, 6, 2, 8 और 2, 10, तो टोटल आपको ये 10 वोल्ट लगाने होते हैं इस वाटर पम्प में। तो अभी फिटिंग करते हैं हम इसकी वाटर पम्प को इस लोकेशन पे। तो ये वाला एरिया आपको रखना होता है इसके नीचे की साइड में, यानी कि इस जगह पर, और जो फैन वाला ये इंपेलर वाला एरिया है इसको आपको रखना है ऊपर की साइड में। तो करते हैं इस वाटर पम्प को फिटिंग। तो इसको इस तरीके से हमें फिटिंग करना होता है, ये इस तरीके से हम इसकी जो वाटर पम्प है इसको फिटिंग कर देते हैं। ये हमने इस पर ओरिंग और सिलिकॉन ट्यूब हमने लगाया हुआ है। ओके, तो ये इस तरीके से हम फिटिंग कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से अभी हमें इसके सारे बोर्ड लगा देने हैं। तो इसमें आपको टोटल 10 बोर्ड लगाने होते हैं। ओके, क्योंकि काफ़ी हाई प्रेशर बनता है इसके अंदर कूलेंट का, इसलिए कंपनी ने बेसिकली इसमें 10 बोर्ड लगा करके दिए। नहीं तो वाटर पम्प में ज़्यादातर मैक्सिमम 4, 5, 6 बोर्ड से ऊपर नहीं आते। तो इस कार के अंदर 10 बोर्ड आपको लगाने होते हैं, क्योंकि ये V6 इंजन है, इसमें डुअल हेड होता है। तो डुअल हेड में कूलेंट और कूलेंट का जो प्रेशर होता है ओवर हीटिंग का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए ये आपको इसमें बोर्ड जो है टोटल प्रॉपर अच्छे तरीके से लगाने हैं, और उसको अच्छे तरीके से आपको सिलिकॉन लगा करके यूज करके इसमें फिटिंग करना है इसकी वाटर पम्प को। तो अभी लगाते हैं हम इसके सभी बोल्टों को। तो ये हैं इसके कुछ बोल्ट, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम इसकी लोकेशन पे लगा देते हैं इस तरीके से। तो जो बोल्ट है ये आपको टाइट करना होता है स्टार जो हैक्स की होती है 13 mm की, यानी कि 30 नंबर की, ये आपको उस जगह पर इसमें लगानी होगी इसको टाइट करने के। तो यह है इसकी हैरी गैरी ब्रांड की T30, यानी T30 की जो एलिंग की है ये है स्टार बिट, इसको हम यूज करेंगे इसको टाइट करने के लिए। तो उससे पहले अभी हम इसके सभी बोल्टों को लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो इसका वाटर पम्प था वो कम्प्लीटली अभी हमने इसको लगा दिया है, सभी बोल्टों को हमने अच्छे से टाइट कर दिया। तो अभी हम फिटिंग करेंगे इस जगह पर इसकी वाटर पम्प वी वेल्ट पुली, यानी कि इस जगह पर जो उसमें पुली लगती है जिसके ऊपर इसमें वी वेल्ट आती है, तो उस पुली को हम इस जगह पर फिटिंग करेंगे। तो पुली आपको माउंट करनी होती है इसमें 3 बोल्ट से, तो 1, 2, 3, तो आपको टोटल इसमें 3 बोल्ट लगाने होते हैं। और पुली लगाते टाइम आपको ध्यान में रखना है ये कट पर है इस जगह पर, तो ये कट पर ही आपको इस पुली को मेंशन करना होता है इस तरीके से। ओके,
तो इस जगह पर हम फिटिंग कर रहे हैं इसकी वाटर पम्प। तो इसकी ये है इसकी पुली और इस पर ये मेंशन किया हुआ है इसका पार्ट नंबर और ब्रांडिंग। ओके, और ये है एल्युमिनियम की पुली होती है ये, और ये जो पुली है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 P की पुली है। और इसको हम इस तरीके से फिटिंग करेंगे, यानी कि इस जगह पर इस तरीके से, ये देखिए इस जगह पर फिटिंग कर दी है। और हम यहाँ पर भी माउंट कर देंगे इसके टोटल 3 बोल्ट। तो ये है इसका बोल्ट, और ये जो बोल्ट होता है ये होता है M10, यानी कि 12 पैल की इसमें स्टार बिट आपको लगानी होती है। और टोटल इस पुली में आपको जो बोल्ट लगाने हैं वो लगाने होते हैं 3। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमने इस कार का जो वाटर पम्प था और जो इसकी वी वेल्ड थी वो हमने फिटिंग कर दी है। ओके, और अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको इसमें जो कूलेंट लेवल है इसका वो टॉपअप करना होता है। तो यहाँ पर आपको इसके रिजर्वायर पे कूलेंट टॉपअप करना है। तो इस जगह पर अभी हमने कूलेंट टॉपअप किया हुआ है और साथ ही साथ हमने इसमें डिस्टिल वाटर ऐड किया हुआ है। तो सबसे ऊपर बेसिकली जो इसका है, इसका ये ऑयल फिल्टर कैप, इस ऑयल फिल्टर के कैप के पीछे आप देख सकते हैं ये 30 नंबर का एक एलंकी का बोल्ट है। इस बोल्ट को खोल करके, ये वाला बोल्ट आपको खोलना होता है, और इस जगह से आप इसकी कूलेंट की जो एयर है उसको ब्लीड कर सकते हैं, यानी कि जो कूलेंट के बीच में जो एयर ट्रैप हो जाती है उस एयर को आप इस जगह से निकाल सकते हैं। जिससे कि बेसिकली एयर निकालने से होता क्या है कि क्योंकि इसमें जो V6 जो इंजन है, तो इसमें डुअल हेड होता है, तो दोनों हेड की आपको एयर निकालनी होती है। तो एयर निकालने के लिए आपको ये बोल्ट खोलना होता है। तो अभी हम इस बोल्ट को खोल करके इस जगह से हम इसकी जो एयर है उसको निकालेंगे, यानी कि जो एयर है उसको ब्लीड करेंगे। ओके, तो ये आपको काफ़ी केयरफुल तरीके से खोलना होता है क्योंकि इसके अंदर जो गैस होती है वो बन जाती है। और इस बोल्ट को आपको खोलना होता है। ओके, तो जब तक यहाँ से कूलेंट ना आ जाए तब तक आपको वहाँ पर कूलेंट को टॉपअप करना है। तो कभी कभी होता क्या है Q7 में, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इस जगह पर जो कूलेंट लेवल है वो टॉपअप है। अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये देखिए कूलेंट बिल्कुल टॉपअप है। ओके, ये देखिए बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पर है अभी इस समय जो कूलेंट है। लेकिन अभी यहाँ पर जो बोल्ट पर जो कूलेंट आना चाहिए था वो अभी कूलेंट नहीं आया है। ओके, तो इस जगह से अब हम इसकी जो एयर है उसको ब्लीड करेंगे। तो ये देखिए अभी यहाँ से जो एयर है वो आ रही है, और ये देखिए बिल्कुल भी अभी कूलेंट नहीं आया है। ये आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं अभी इस जगह पर कूलेंट नहीं आया है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर वेट करेंगे इसमें कूलेंट आने का। ये देखिए, और यहाँ पर जो पानी है बिल्कुल टॉपअप है, और इस जगह पर ये कूलेंट जो है वो आ गया है। बोल्ट कहाँ बोलते हैं ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बोल्ट को हम लगा देते हैं इस जगह पर। तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है जो कूलेंट का फ्लो है वो सही तरीके से आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसके कूलेंट की जो एयर है उसको ब्लीड कर सकते हैं इस जगह से। तो V6 और V8 में ये आपको एक अच्छे तरीके से आपको याद में रखना है, इनकी जो एयर है वो आपको ब्लीड करनी होती है। बेसिकली अगर आप इसकी एयर जो ब्लीड नहीं करते हैं तो उसकी वजह से इस कार में ओवर हीटिंग का इशू आ सकता है। तो अभी हम कर देंगे इस बोल्ट को परफेक्टली टाइट। टाइट कर दो इस बोल्ट को ज़रा। जी, हमने जो बोल्ट था इसका टाइट कर दिया है, और साथ ही साथ हमने जो उसका कूलेंट लेवल था वो हमने टॉपअप कर दिया है। और अभी हम इस एरिए को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। ओके, और करते हैं इस कार को स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद चेक करेंगे अब इसके अंदर कैसी भी कोई लीकेज तो नहीं है। तो इस जगह पर कूलेंट लेवल जो है वो टॉपअप है। ओके, तो ये है इस कार की की। तो करते हैं इस कार को स्टार्ट। तो कार स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो अभी हम इस कार को लगभग 30 मिनट के लिए स्टार्ट रहने देते हैं, और स्टार्ट रहने के बाद हम चेक करेंगे इस कार के अंदर कैसी भी कोई हीटिंग प्रॉब्लम या कोई लीकेज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, तो जो अभी मैंने बोतल का कैप है वो लगाया नहीं है, तो वो कैप आपको लगाना होता है समथिंग 10 मिनट बाद, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ से एयर ब्लीड हो जाती है। बट छोटे छोटे पाइपों में जो एयर होती है या इसके हीटिंग कूलिंग कॉइल होती है वहाँ पर जो एयर ट्रैप हो जाती है, वो सारी एयर निकल जाने के बाद ही आपको इसका कैप लगाना है। तो अभी हम इसको स्टार्ट रहने देते हैं समथिंग 30 मिनट के लिए। तो हमने इसका AC वगैरह सब कुछ ऑन कर दिया, जिससे कि जो बेल्ट पर जो लोड होता है वो AC ऑन करने से पड़ता है। तो अभी इसकी जो AC की बेल्ट AC है वो भी हमने ऑन कर दिया है, और जो इसके फैन है वो भी बंद कर रहे हैं। ओके, तो इसको स्टार्ट रहने देते हैं 30 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, कार को स्टार्ट किए हुए आप देख सकते हैं ये इसमें इतना टाइम हो चुका है, तकरीबन 30 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार के अंदर, कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है, और कंटिन्यू इसका जो AC है वो ऑन है। ये आप इस जगह पर देख सकते हैं।
मॉन्स्टर से। तो जैसा कि आपने देखा ये एसी के पाइप पर आप देख सकते हैं मॉन्स्टर। तो अब कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार के अंदर। ओके तो अभी मैं आपको उसका जो टेम्परेचर लेवल है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर जो करंट लेवल था वो भी टॉपअप है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं तो इस कैप को लगा देते हैं। ओके तो हमने अभी लगा दिया इसका कूलेंट कैप इस जगह पर। तो हमने कर दी इसकी वाटर पम्प रिप्लेस और साथ ही साथ हमने इसकी जो एयर थी वो ब्लीड कर दी है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका कूलेंट टेम्परेचर। तो जो कूलेंट टेम्परेचर गेज है ये आप यहाँ पर इस गेज को चेक कर सकते हैं, ये भी 90 डिग्री से थोड़ा नीचे ही है। मेन जो इसका किलोमीटर है ये गाड़ी चल चुकी है समथिंग 120,000 किलोमीटर के आसपास। तो अभी ये गाड़ी है 119,726 किलोमीटर। तो अभी ये जो किलोमीटर है ये आप देख सकते हैं इस जगह पर। तो अभी लेते हैं इस कार की एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव। हम कार की ट्रेजर लेते हुए सिटी कंडीशन को पार करते हुए अभी हम आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे। तो ये आप देख सकते हैं ये है यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे जो कि जाता है आगरा से सीधे नोएडा दिल्ली के लिए, ये जो एक्सप्रेसवे है। ओके तो अभी हमने 80 की स्पीड क्रॉस कर दी है। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हमने इस कार की जो टेस्ट ड्राइव थी वो हमने अच्छे तरीके से, कार को मैंने 100 के आसपास इसको मैंने चला करके चेक भी कर लिया, यानी कि 100 की स्पीड के आसपास 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैंने इसको चला करके टेस्ट भी कर लिया। तो इस कार में कैसी, इसके अंदर पहले ओवर हीटिंग की वो प्रॉब्लम अब बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुकी है। और जो प्रॉब्लम थी वो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में शो कर चुका हूँ किस वजह से ये कार ओवर हीट हो रही थी, और जो इसका कूलेंट लेवल था वो क्यों लो हो रहा था ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसके अंदर जो लीकेज था पार्ट वो था इसका वाटर पंप और Q7 3.0 TDI में सबसे ज़्यादा बेसिकली जो चीज़ लीकेज होती है वो थी इसकी वाटर पंप और इसका ऑयल कूलर। तो जब भी इसका कूलेंट लेवल है अगर वो बढ़ता है तो वो बढ़ता है ऑयल कूलर की वजह से, अगर कम होता है तो वो होता है वाटर पंप की वजह से। ओके तो हमने अभी इसमें रिप्लेस किया इसकी वाटर पंप। तो साथ ही साथ मैंने आपको उसका जो कंप्लीट प्रोसीजर था वो भी मैंने आपको शो कर दिया किस तरीके से आपको उसमें खोलना होता है, किस तरीके से आपको फिटिंग करना होता है। तो अगर आप हमारी इस वीडियो को हमारे इस फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं मनीष कार टेक्नोलॉजी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। ओके तो मिलते हैं अगली जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष कार टेक्नोलॉजी।